पंजाब दे नवे बने सिक्ख्या मंत्री ते खेड मंत्री सरदार प्रगट सिंह दे हर रोज़ ही अखबारों के बड़े दिलचस्प बयान छपते हैं और आप दे बयान का केंद्र बिंदु है जिहड़ा ओह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि साबका मुख्यमंत्री पंजाब ने। सरदार प्रगट सिंह फरमाते ने कि अमित शाह नाल जिहड़ी मुलाकात की गई पिछले दिनी कैप्टन साहब ने उस मुलाकात के दौरान यह तय होया सी कि झोने की खरीद है जिहड़ी वो अजे ना की जाए इस अगे पाया जाए और दूसरी गल सरदार प्रगट सिंह ने यह गल कही है कि आने वाले समय से भाजपा नाल समझौता करनगे कैप्टन अमरिंदर सिंह और उन्हां दी सहायता नाल ही यह पार्टी बना के चोण लड़नगे। सो ये दो बड़ियां अहम गल्लां ने, ये दो बड़े मतलब अहम इल्जामात ने। तो सवाल यह है कि प्रगट सिंह कोई दस्तावेजी सबूत है? कि प्रगट सिंह का कोई बंदा उस वेले उत्थे मौजूद सी जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह नाल गल की? कि उस गल का कोई रैकर्ड है? जे है तो कि वह मौजूद है सरदार प्रगट सिंह को? और दूसरी गल यह है कि जितों तक झोने की खरीद का ताल्लुक है जिहड़ा बयान वो दे रहे हैं कि इस संबंधी भी उन्हां कोले कोई लिखती सबूत है कि वह एवें है भी उठ के सवेरे मूँह हाथ धो के कोई ना कोई बयान उन्होंने देना ही देना? और कैप्टन साहब ने यदि बड़ी मतलब तिखी प्रतिक्रिया की है, वह कहते नॉनसेंस है। पहली गल यह है कि साबका हाकी कप्तान ने जिहड़े उन्हां नूं चाहीदा है कि जे उन्हां कोले कोई मेरे खिलाफ़ दस्तावेजी सबूत है तो उसनूं जाहिर करन, प्रकाशित करन, अखबारों में देन, चैनलों पर आके मूहरे दसन कि आ मेरे को लिखती सबूत है। और जो जो गल्लां अमित शाह साडे गृहमंत्री ने जो उन्हां नाल होईयां कैप्टन अमरिंदर सिंह दियां कि उन्हां दी कोई मतलब रिकॉर्डिंग इन्हां कोले है? गल यह है कि किसी नूं तुसीं बेतुके इल्ज़ाम ला के बदनाम करन दा जे रवैया अख्तियार करदे हो तां इहदा नाल इहदे नाल इह हुंदा कि तुहाडी मानसिकता जिहड़ी बौंगी है उहदा ही सबूत लोकां नूं मिलदा है। इस करके उहो जिही मतलब जिहड़ी इल्ज़ाम तराशी है, ये जिहड़ा व्यवहार है, इस तों गुरेज़ करना चाहिए। और दूसरी गल यह है कि जुम्मा जुम्मा वक्त किन्ना रह गया? सरदार प्रगट सिंह नूं चाहिए कि वह सिक्ख्या वल ध्यान देण, पंजाब दीआं खेडां वल ध्यान देण और जिहड़े बच्चे पढ़ नहीं सकते मजबूर ने माजूर ने, जिन्हां कोले किताबां खरीदण वास्ते पैसे नहीं हन और जिन्हां दे वजीफे खा ले गए और वजीफियां दे विच जिन्हां ने घपला किया और करोड़ों रुपए छक छका के तुर गए, उन्हां नूं भावें वजारत तों लांभे कर दिता पर उन्हां दे खिलाफ़ से बतौर सिक्ख्या मंत्री की हुणे कोई कानूनी कार्रवाई करनगे? दूसरी गल यह है कि पंजाब दे विच पिंडां दे विच खेड मैदान तो बड़े बना दिते गए पर उत्थे वड्डा वड्डा घाह उग गया है, कि पंजाब दे हर पिंड नूं कोई वधिया खेड मैदान दिता जाएगा? पंजाब विच खेडां नूं उत्साहित करन लई कि जिहड़े प्रतिभाशाली खिडारी ने उन्हां नूं कोई वजीफे दित्ते जाणगे? कि उन्हां दी खुराक का कोई प्रबंध किया जाएगा? इन्हां सारियां गल्लां वल ध्यान देना चाहिए, ना कि हुण वक्त है राजसी किड़ां कढ़न दा। चोणां दे विच चंद महीनों का वक्फा है और अजे तक सरदार प्रगट सिंह होरां दी जिहड़ी सरकार है वह पैरां सिर नहीं हो सकी, सिर्फ ड्रामेबाजियां कीतियां जा रही ने। जिहड़े कल तक ये कहिंदे सी कि बादलां दी जिहड़ी ट्रांसपोर्ट है, जिहड़े उन्हां दे दो नंबर दे कारोबार ने उन्हां नूं असीं बंद करांगे, तो सिर्फ बस स्टैंडां दे उत्ते चार कोनां दे खोखे ढा के या चार कागज़ इत्थों चक के डस्टबिन सिट के तो इहदे नाल इनकलाब नहीं आ जाणा। जो तुसीं कहा सी ओह करो, घर घर नौकरी का वादा पूरा करो, सिक्ख्या मंत्री हो, किन्ने बेरोज़गार पंजाब तुरे फिरते हैं उन्हों का ख्याल करो, ना कि तुसीं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं हर एक गल वास्ते जिम्मेदार ठहराओ। कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए, वह हुण पंजाब दे मुख्यमंत्री नहीं हन, उन्होंने की किया की नहीं किया ये प्रगट सिंह नूं दसण की जरूरत नहीं है, ये पंजाब दे लोग बाखूबी जानते हैं। तो जे उन्होंने कुछ किया होगा तो उन्होंने वोटां पा देणगे लोग, जे उन्होंने नहीं किया होया तो नहीं पाउणगे। पर प्रगट सिंह कौन हुंदा है ये गल कहण वाला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फलां बंदे नाल बैठ के आ गल की कि प्रगट सिंह नूं कोई सुपना आ गया? प्यारे दर्शकों, तुसी इस बारे की कहना चाहोगे? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक ते जिहड़े लिंक्स हेठां डिस्प्ले हो रहे ने उन्हां ते साडे नाल सांझ पाओ और राजमहल टीवी दे यूट्यूब चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो।